आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी मटका कुल्फी, जिसे कोई भी बना सकता है, वो भी बिना गैस जलाए। तो आज मेरे हाथ में ब्रेड देके चौंक गए ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ना हम ब्रेड से कुल्फी बनाएंगे, बहुत ही यम्मी लगती है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। वैसे भी अब गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो कुल्फी खाना तो बनता है, इसलिए ना यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है और ब्रेड का जो ब्राउन पार्ट है ना उसको हम हटा देंगे। और इस कट किए हुए ब्राउन ब्रेड के पार्ट को है ना आप बहुत सारी चीजों में बना सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, गुलाब जामुन, और हम ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस भी कट करके अलग कर देंगे क्योंकि हम इसका यूज बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ना ब्रेड हमने काट लिए हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसको है ना साइड में रखेंगे। अब लेंगे मिक्सी का जार। अब यहाँ ना हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, तो ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बादाम और काजू। तो यहाँ ना मैंने काजू लिए है, काजू है ना 8 से 10 मैंने काजू यहाँ डाल दिए है। भाई आइसक्रीम बना रहे तो रिच तो होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर है ना बादाम भी हमें 6 से 7 ही डालना है, लेकिन मैंने ना थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी डाली है, 8 से 10 तक। यहाँ पर ना आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ना इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब चीनी। और यहाँ पर ना मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ इलायची पाउडर डाली है। आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं है ना तो आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। अब यहाँ ना इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ ना आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स कोई भी यूज कर सकते हैं, और नई भी होना तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब इसका है ना एक अच्छे से ना एक फाइन पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर बनाने के बाद ना हम इसमें है ना ऐड कर देंगे ब्रेड। अब यहाँ जो हमने ब्रेड काट के रखी थी ना वो सारी यही पे डाल देंगे और फिर से ना एक बार ग्राइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ना हमने पीस के लिया है, तो हल्का सा ना क्रम्बल जैसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम दूध के साथ इसको फिर से पीसने वाले है तो आराम से ये मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे दूध, जो कि मैंने 2 कप के करीब डाला है। अब सिंपली जो घर में रेगुलर दूध आता है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद ना हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब ना मैंने मिल्क पाउडर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर ना मैंने केसर वाला दूध बना के रखा था, 2 चम्मच करीब दूध लिया था, उसमें ना थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं यूज करना चाहते हो ना तो आप यहाँ पर कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने दूध की मलाई निकाल के रखी थी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ना दूध की मलाई ऐड करने से ना बहुत ही रिच फ्लेवर आता है, तो आप जरूर ऐड कीजिएगा। फिर से ना इसको अच्छी तरह से ना हम पीस के लेंगे, क्योंकि पीसने के बाद ना ये हल्का सा ना झाग जैसे तैयार होता है, उसके बाद हम मोल्ड में डालेंगे ना तो बहुत ही क्रीमीनेस टेक्सचर आएगा। तो देखिए हमने पीस लिया है और हल्का सा ना ऊपर झाग जैसे आ गया है, तो हमारी कुल्फी है ना बहुत ही यम्मी बनने वाली है। अब इसे सेट करने के लिए ना आप कोई भी मोल्ड लीजिए, कांच का ग्लास ले सकते हैं, या छोटे वाले कप होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने कुल्हड़ वाले ग्लासेस यानी कप लिए हैं, उसमें हम जमा कर देंगे। यहाँ पर ना सारे कप्स में मैंने भर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब ना ऊपर से हम क्या करेंगे ना, बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना इसे आप सील कर दे। तो यहाँ पर ना मैंने पेपर फॉइल आता है उसे ही मैंने सील कर दिया है। अब इसको है ना आप आराम से 5 से 6 घंटे के लिए ना फ्रीजर में रख दे, जमा होने के बाद इंजॉय करें। तो यहाँ पर ना कुल्फी तो जमा करने के लिए रख दी थी, लेकिन क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत ही कम रखा था मैंने, इसके लिए वो जमा नहीं हो पाई, तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए इसका टेक्सचर, ये ऊपर के आप देख रहे हो ना, ये केसर के स्ट्रेंथ जो हमने डाले थे ना उसके ये पैचेस है। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही यम्मी बनता है और इजी तरीके से है और जल्दी फटाफट से बन जाती है, तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।